हेलो दोस्तों, इस वीडियो को देखने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल रूबरू बिहार को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारा लेटेस्ट वीडियो मिले आपको सबसे पहले। बिहार की धरती पर ऐसे कई सितारों ने जन्म लिया है जिन्होंने अपने काम से देश दुनिया में काफी नाम कमाया है, परंतु बिहार के एक ऐसे भी टीवी सीरियल के मशहूर अभिनेता राजेश कुमार हैं जिन्होंने अपनी जन्मभूमि को स्मार्ट बनाने के लिए सफल अभिनेता होने के बाद भी फिल्म सीरियल में काम करना बंद कर दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बिहार के पटना में जन्मे राजेश कुमार की। वही राजेश कुमार जिसे आप कई सारे टीवी सीरियल में बतौर मुख्य अभिनेता के तौर पर देख चुके हैं और जिन्होंने कई सारी फिल्मों में भी काम किया है। साराभाई वर्सेस साराभाई में रोसेस, नीली छतरी वाले में भगवान दास की भूमिका निभाने वाले राजेश कुमार किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। राजेश ने एक लंबे समय से टीवी सीरियलों में नाम कमाया है। उन्होंने कई सारे कॉमेडी शोज में भी अपना काम किया है। अभी हाल ही में अभिनेता राजेश कुमार ने एक ऐसा फैसला लिया है जिससे बॉलीवुड और टेलीविजन की दुनिया में सब अवाक हैं। राजेश कुमार अब अपने सफल अभिनय कैरियर को अलविदा कहकर कहा है कि अब वो एक्टिंग की दुनिया को छोड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं बिहार के एक गांव को स्मार्ट बनाने पर ध्यान दूंगा, इसके लिए मैं बॉलीवुड की चकाचौंध भरी जिंदगी को, अपने एक्टिंग कैरियर को छोड़ रहा हूं। उन्होंने कहा है कि मैं आम के पेड़ के नीचे बैठा था तभी यह बात मेरे दिमाग में आई। वो बिहार के बर्मा को स्मार्ट सिटी बनाना चाहते हैं। अपनी इसी चाहत को पूरा करने में राजेश कुमार जोर शोर से जुटे हैं। बता दें कि राजेश कुमार टीवी सीरियल के जाने माने अभिनेता हैं। इन्होंने वर्ष 1999 में एक महल हो सपनों का सीरियल से अपने कैरियर की शुरुआत की थी। उसके बाद उन्होंने देश में निकला होगा चांद, खिचड़ी और कुसुम में भी काम किया था। हाल के वर्षों में राजेश कई सारी कॉमेडी सीरियलों में नजर आ चुके हैं। भूतिया कॉमेडी सीरियल प्रीतम प्यारे में उन्होंने ड्रैकुला डारा कोयला का किरदार निभाया था। वहीं इन्होंने कई गंभीर किरदारों को भी निभाया है। राजेश कुमार ने अभिनेत्री रेखा और रणधीर कपूर अभिनीत फिल्म सुपर नानी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। राजेश कुमार ज्यादातर कॉमेडी रोल्स में नजर आए हैं। राजेश कुमार का जन्म 20 जनवरी 1975 को बिहार की राजधानी पटना में हुआ था। इन्होंने अपनी प्रारंभिक पढ़ाई पटना में ही किया, उसके बाद उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिंदू कॉलेज से आगे की पढ़ाई की। राजेश कुमार मुंबई की फिल्मी दुनिया को अलविदा कहकर बिहार के बर्मा में इन दिनों खेती कर रहे हैं। खेती भी कोई ऐसी वैसी नहीं बल्कि आध्यात्मिक खेती यानी स्पिरिचुअल फार्मिंग। यही नहीं, इस काम के लिए उन्होंने मुंबई को छोड़ दिया है। अब मजे से बिहार के एक गाँव में खेती बाड़ी कर ग्रामीण जिंदगी के मजे लूट रहे हैं। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर शेयर करें और हमारे YouTube चैनल रूबरू बिहार को सब्सक्राइब करें और बिहार के निष्पक्ष एवं ताज़ा खबरों के लिए हमारे वेबसाइट बिहारी.news को विजिट करें। शुक्रिया।